हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ शिमला का लक्कड़ बाज़ार। तो गाइज़ लक्कड़ बाज़ार सुनकर आपको लगा होगा कि लक्कड़ बाज़ार क्या नाम है। तो गाइज़ यहाँ पर जो मैक्सिमम चीज़ें आपको लकड़ी से बनी हुई मिलेगी, हैंडमेड चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। कपड़ों की भी यहाँ पर शॉप थी, बट जो लकड़ी का सामान यहाँ पर मुझे ज़्यादा देखने को मिला, तो इसलिए यहाँ का नाम लक्कड़ बाज़ार है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर लकड़ी से भी आपको मिलेंगी। तो गाइज अभी मॉर्निंग का टाइम था और जो लक्कड़ बाजार है वो शिमला के बैक साइड में है, तो यहाँ पर तो अभी धूप भी नहीं लगी थी अच्छी सी और मार्केट भी अभी पूरी नहीं खुली थी, तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे। तो अभी यहाँ पे गाइज कुछ भी ज़्यादा शॉप्स वगैरह नहीं खुली थी और हमें तो भूख लगना शुरू हो गया था, तो बस अब मैं यहाँ पर एक होटल दिखा था तो बस वहीं पर अभी हम जाएंगे। पहले पराठा खाएंगे और पराठे के साथ गरम गरम हमें चाय लेनी है, तो बस उसके बाद मैं आपको यहाँ का जो लक्कड़ बाजार है वो घुमाती हूँ। तो गाइस आपको मेरी वीडियो में पूरा बने रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप भी मेरे साथ पूरा वीडियो एंजॉय करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस यहाँ पर सारे ये हैंडमेड पर्स थे, तो बस गाइस हमें यहाँ पे एक होटल खुला दिखा था तो हम फटाफट से बैठ गए थे परांठा खाने और साथ में गरम गरम चाय। तो बस ये खा के हम गाइस निकल गए थे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक कुर्ती लगी हुई थी गाइस, तो ये बता रहे थे ये कश्मीरी कुर्ती है, तो इसका प्राइस इन्होंने बताया था 3500। तो गाइस इसका जो ऊपर वाला पार्ट था वो कुर्ती था और इसी में दूसरा पार्ट भी था इसका, वो लॉन्ग बिल्कुल फ्लोर टच था और ये वुलन में थी। और जो ये श्रग है गाइज इनका भी इन्होंने 3500 प्राइस बताया था। तो यहाँ पे श्रग और कुर्तीज यहाँ पे ज़्यादा थी, पर कुर्तीज़ के यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे और इसमें स्मॉल साइज़ मिल रहा था, तो वो बोटी अभी उनके पास साइज़ वगैरह ख़त्म हो गए तो उनके पास स्मॉल साइज़ ही है। तो आगे जाते जाते गाइज यहाँ पर पर्स वगैरह थे और वुडन से चीज़ें बनी हुई ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हम आ गए थे एक शॉप में गाइज, तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर वुडन से बना हुआ सामान था। तो यहाँ पे बच्चों के टॉयज गाइज ट्रे थी, कॉम भी लकड़ी की थी और कटोरियाँ थी, प्लेट्स थी, वॉच थी गाइज, हर चीज़ यहाँ पे लकड़ी की बनी हुई थी, कड़े भी लकड़ी के बने हुए थे, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी बहुत सुंदर सुंदर गाइज। तो जो ये वाला जग टाइप का था गाइज इन्होंने, ये जग ही था क्योंकि इसमें हैंडल भी था, तो इसका प्राइस बताया था इन्होंने 200। और इसके पीछे गाइज ये ज्वेलरी बॉक्स है, तो इसमें छोटे बॉक्स से ये स्टार था 50 रुपीज़ से, और 50 रुपीज़ से 500 तक प्राइस था। और ये इतना क्यूट सा टॉयज था गाइज, ये 100 रुपीज़ में, ये भी लकड़ी का बना हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों के जो छोटे वाले टॉयज थे वो सारे 100 में थे और बाकी जैसे गाड़ियाँ वगैरह ही बनी हुई है वो फिर उसके बाद 100, 200, 300, 400 ऐसे थे। तो यहाँ पर ये पर्स वगैरह भी हैंडमेड पर्स है। और ये थे यहाँ पर की रिंग, तो ये भी गाइस 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ ऐसे इनका प्राइस था। तो गाइस ये की होल्डर ये 70 रुपीज़ में था यहाँ पर। और गाइज ये है पेन स्टैंड, इसमें जो ये गिफ्ट ऑफ शिमला लिखा हुआ, ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ था, ये पेन स्टैंड था, तो ये भी 70 रुपीज़ में था। और आगे जहाँ पे यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बास्केट बनी हुई थी, फ्लावर पॉट बने हुए थे और छड़ी वगैरह थी और काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे वुडन की बनी हुई थी और ओखली। और गाइज ये ट्रे इतनी ज़्यादा सुंदर थी, ये बड़ी वाली ट्रे बहुत हैवी सी लग रही थी गाइज ये, तो 850 इसका प्राइस है, फ्रूट की टोकरी थी ये, और ये दूसरी वाली इसका 650 इनका प्राइस था। तो
यहाँ पे भी हम दूसरी शॉप में आ गए थे, यहाँ पे भी वुडन का बहुत सुंदर सुंदर गाइस यहाँ पे सामान था। मिरर थे यहाँ पे वुडन से बने हुए, और ये बुक्स रखने के लिए गाइस यहाँ पे, और पेन स्टैंड थे यहाँ पे, फ्लावर पॉट जो होते हैं गाइस वो थे, और ये छोटी सी चारपाई टाइप की बनी हुई है वुडन की, ये भी बहुत सुंदर थी यहाँ पे। तो ये सारे फ्लावर पॉट गाइस ये 500, 600, 1200 अलग अलग इनके डिफरेंट प्राइस थे। और जो ये कटोरी वाली ट्रे है ये 150 से स्टार्ट थी, और काफ़ी सारे गिफ्ट्स थे यहाँ पे। और ये जूट का बैग बना हुआ था 350 का। तो गाइस मुझे तो सीरियसली में यहाँ बहुत अच्छा सामान लगा लकड़ी से बना हुआ। और यहाँ पे आगे चलते चलते फिर शॉल वगैरह कपड़ों की भी शॉप्स थी, बट ज़्यादातर यहाँ पर वही लकड़ी का सामान था। तो यहाँ पर ये सारी शॉल्स वगैरह बता रहे थे कि शिमला की शॉल है, शिमला शॉल। तो यहाँ पे भी सूट वगैरह वुलन्स के सूट लगे हुए थे 490, 690, 590। गाइज यहाँ पे ये वुडन की फोटो फ्रेम थी। तो गाइज अपना जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरा होगा तो उसमें मैं जितना भी मेरा शॉपिंग हॉल है तो मैं वहीं पे शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मैं चंडीगढ़ गई थी, सदर बाजार गई थी, पालिका बाजार गई थी, और शिमला आई थी। तो मैं सारा का सारा जो भी मेरा शॉपिंग था वो मैं एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप मेरी जरूर देखना, नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो आई होप कि गाइज आपको वीडियो